morning, students. How are you? I hope all are you fine. ठीक है. Today we are going to study the relation between units of length. ठीक है. हमने कल क्या पढ़ा था? Length के बारे में पढ़ा था. ठीक है. Length क्या होती है? किन्हीं भी two points के बीच में distance. ठीक है. Distance between two places. ठीक है. या two points. अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन यूनिट ऑफ लेंथ. तो हमने यूनिट्स भी पढ़ी थी कल. यूनिट्स कौन कौन सी होती है हमारी? सबसे पहले बेस यूनिट. बेस यूनिट होती है मीटर. ठीक है. बेस यूनिट मीटर. स्मॉल यूनिट या फिर हम उसको लोअर यूनिट भी बोलते हैं. ठीक है. लोअर यूनिट वो होती है हमारी सेंटीमीटर. ठीक है. और थर्ड पे आती है हमारी हायर यूनिट. इट मींस किलोमीटर. हायर यूनिट इट मींस किलोमीटर. ठीक है. ये हमारे थ्री यूनिट्स थे कल जो हमने देखा. आज हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या क्या रिलेशन होते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं मीटर का सेंटीमीटर से क्या रिलेशन होता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 meter इक्वल टू होता है 100 centimeter. ठीक है. 1 meter इक्वल टू कितना होता है? 100 centimeter. ओके. ठीक है. और हम देखते हैं मीटर और किलोमीटर के अंदर कौन सा रिलेशन होता है. 1 kilometer इक्वल टू होता है 1000 meter. ठीक है. अगर हम लोग मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है? 1 meter इक्वल टू 100 centimeter. एंड अगर हम लोग किलोमीटर एंड मीटर में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो रिलेशन हमारा कौन सा होता है? 1 kilometer इक्वल टू 1000 meter. ठीक है. ये दोनों तो क्या हो गए हमारे रिलेशन की हमने अगर इसमें फाइंड आउट करना होगा तो ये होगा और ये इसमें हो जाएगा किलोमीटर और मीटर में. ठीक है. ये हमारे रिलेशंस हो गए कुछ. अब हम देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर. ठीक है. कन्वर्जन ऑफ मीटर इंटू सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. ठीक है. कन्वर्जन ऑफ मीटर इंटू सेंटीमीटर. इसके लिए हमने क्या करना होगा? हमें सबसे पहले क्या पता है? 1 meter इक्वल टू क्या होता है? 100 centimeter. ठीक है. ये हमें पता है. अभी हमने देखा है जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किए थे उससे हम ये चीज लिख सकते हैं. इसके हमारे पास में टू रूल्स होते हैं. ठीक है. रूल फर्स्ट है हमारा. रूल फर्स्ट. इसमें हम क्या करते हैं? टू कन्वर्ट मीटर्स इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर्स बाय 100. ठीक है. टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई मीटर्स बाय 100. ठीक है. अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें
जो मीटर वाली फॉर्म है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें, हमारे पास में है 7 मीटर, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो इसके लिए हमें पता है पहले से 1 मीटर इक्वल टू कितना हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी हमारी, सेंटीमीटर वाली फॉर्म, और ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 700 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मीटर वाली फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। ठीक है, रूल सेकंड है हमारा, एग्जांपल को मैं बीच में से इरेज कर देती हूँ। रूल सेकंड, टू कन्वर्ट मीटर एंड सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक का पहले हम देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा रूल, टू कन्वर्ट मीटर एंड सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। हमारी जो फॉर्म मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दी गई होती है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर बाय हंड्रेड। ओके, वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर बाय 100 एंड add the number of centimeter in the product। इट मीन्स हमारा जो नंबर है मीटर का उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद में जो हमारा सेंटीमीटर वाला नंबर बचा है उसको हमारा जो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मीटर को, तब जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है, ऐड करना है। लाइक हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको इसका एक एग्जांपल बता रही हूँ कि किस तरीके से हमारी फॉर्म आएगी और किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारी कोई भी फॉर्म आएगी उसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो फॉर्म है इसको अलग अलग राइट कर लेते हैं। ठीक है, 2 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लिया हमने इसको अलग अलग राइट। अब हमने क्या करना होता है, इसको जो मीटर वाली फॉर्म है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और ये फॉर्म कौन सी हो जाएगी हमारी, फिर जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर वाली फॉर्म हो जाएगी, और इसमें हम क्या एड कर देंगे, हमारा जो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी हमारी फॉर्म। अब हम इसको रफ साइड में
मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 2 को 100 से, ठीक है। और जब 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 25 हम यहां पर राइट कर देंगे। ये तो आ गई हमारी फॉर्म, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इक्वल टू 225 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। हमने क्या करना है, सबसे पहले दोनों को अलग अलग राइट करना है, देन उसके बाद में हमारे जो मीटर वाली फॉर्म है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा जो ये सेंटीमीटर का बचा हुआ था मेजरमेंट, इसको हम लोग ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद में हम मल्टीप्लीकेशन करके और इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर राइट कर देंगे। और एक चीज, हमने जो हमारी यूनिट है, ठीक है, कोई भी यूनिट हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो या किलोमीटर हो, हमने हमारी जो यूनिट है वो लगानी है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। अगर हम लोग यूनिट नहीं लगाएंगे तो वो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमें यूनिट क्या करनी है, लगानी है हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये तो हमारे हो गए कन्वर्जन। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमें, कन्वर्ट द फॉलोइंग, ठीक है। नीचे जो भी दिया गया होगा हमें उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। हमारे पास में यहाँ पे टू ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 7 मीटर इंटू सेंटीमीटर, और सेकंड है हमारे पास में 7 मीटर का हमने ले लिया था, 16 ले लेते हैं, ठीक है। 5 मीटर 75 सेंटीमीटर, या फिर ओनली 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो हमें क्वेश्चन गिवन है, अब इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 16 मीटर। हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम लोग 16 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 16 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, 16 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। हम लोग क्या करेंगे, 16 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर हम लोग किसका साइन लगा देंगे, हमारी यूनिट का, इट मीन्स सेंटीमीटर। अब हमने इसको कन्वर्ट करके लिख लेना है, 1600, और सेंटीमीटर का क्या लगा देना है, यहाँ पर साइन लगा देना है, ठीक है। हो गई हमारी वैल्यू उसमें कन्वर्ट। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा। सेकंड थिंग हमें क्या करना है, हमारा जो अमाउंट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर यूनिट्स जरूर लगा देना, ठीक है। यूनिट्स लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग हमारा सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें हमें क्या करना है, 5 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 मीटर है और 5 सेंटीमीटर है, इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसको किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, एडिशन का साइन लगा के, यानी कि 5 मीटर प्लस 5
सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको राइट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, मीटर वाली फॉर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 100 और कौन सी फॉर्म हो जाएगी हमारी, ये सेंटीमीटर वाली फॉर्म हो जाएगी, प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके लिखना है, 500 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको राइट कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसको ऐड करने के बाद में हमारा क्या आंसर आ गया, 505 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम हमारी फॉर्म को क्या कर लेंगे, मीटर एंड सेंटीमीटर वाली फॉर्म को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, या मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। अब हम देखेंगे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, मीटर से सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हाई, ये बेस यूनिट टू लोअर यूनिट था, अब हम लोग लोअर यूनिट टू बेस यूनिट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, इसके लिए भी हमारे पास में टू रूल्स होते हैं। रूल फर्स्ट, टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर, वी डिवाइड द नंबर ऑफ V divide the number of centimeter by 100. It means 1 centimeter equal to हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर, सॉरी। ओके, सेंटीमीटर को मीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको 100 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर हम उसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। लाइक हमें कन्वर्ट करना है 800 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 800 में किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, और ये हमारी फॉर्म कौन सी हो जाएगी, मीटर वाली फॉर्म। इट मींस 8 मीटर। ठीक है, एक तो ये फॉर्म हो गई हमारी। सेकंड रूल है हमारे पास में, मैं इस एग्जांपल को यूज कर रही हूँ यहां से। रूल सेकंड, रूल फर्स्ट था ये रूल सेकंड है। ठीक है, टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर या सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, वी, ये मैं आपको यहां पर बोल के बता देती हूँ, वी हैव टू सेपरेट द अमाउंट ऑफ सेंटीमीटर इन टू टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट जो टर्म होगी हमारी वो होगी हंड्रेड्स वाली टर्म्स। इट मीन्स उसमें हम लोग जो हमारा थर्ड पार्ट पे होता है, ठीक है, हंड्रेड्स पे जो वैल्यू होती है उसके साथ में लिखेंगे हमारे टू जीरोस। इट मीन्स 700 हो, 800 हो, ठीक है, उसके बाद में जो हमारा रेस्ट मनी हो, रेस्ट जो अमाउंट होगा उसको हम क्या लिख देंगे, एडिशन का साइन लगा के राइट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करना है, 725 सेंटीमीटर को
कन्वर्ट करना है, किसमें, मीटर एंड सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, हंड्रेड्स वाली जो पोजीशन है वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमने क्या कर देना है, इसको 700 एज इट इज लिख देना है, ठीक है। चाहे यहाँ पर 700 हो, 800 हो, कुछ भी हो, हमने हमारा ये 100 वाली वैल्यू पहले लिख लेनी है। इसके बाद में एडिशन का साइन लगा के हम क्या कर देंगे, हमारी जो रेस्ट वैल्यू बचेगी यानी कि 25 बचा है उसको राइट कर देंगे। ये हो गई हमारी सेंटीमीटर वाली वैल्यू। अब हम जो 700 है, ठीक है, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स 100 से डिवाइड करके लिख देंगे इसको, 700 डिवाइडेड बाय 100 इसमें कन्वर्ट हो जाएगी मीटर में, और प्लस 25 सेंटीमीटर। तो हमारी फॉर्म क्या हो जाएगी, 7 मीटर, और हम एडिशन का साइन हटा देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, हमारी जो सेंटीमीटर वाली फॉर्म है उसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमें हमारे बाकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। आई होप आपको सबको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, यहाँ पर आप लोग को सेम इसी मेथड से क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।